हाय गाइस, कैसे हो आप सब। आज मैं बात करने वाला हूँ एनिमी के बारे में। एनिमी की यहाँ पे हिस्ट्री बताऊंगा, थोड़े बहुत डिटेल्स फैक्ट्स बताऊंगा, और इंडिया में क्यों एनिमी पहुँचता नहीं है जैसे 90s में पहुँचता था, जैसे मेरे टाइम पे पहुँचता था, अभी क्यों इसका चलन कम हो गया है, इसके बारे में भी मैं यहाँ पे बात करूंगा, फैक्ट्स और डिटेल्स बताऊंगा एनिमी के बारे में। तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। अभी अक्टूबर के महीने में 11 अक्टूबर को वेदरिंग विथ यू करके एक फिल्म आ रही है, वो भी एनिमे है, वो इंडिया में रिलीज हो रही है। इस वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ सपोर्ट करने के लिए और बाकी सारी चीज़ें करने के लिए। तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना आप। अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। एनिमी क्या है? ये एक एनिमेशन शब्द है, जैसे कि हम बोलते हैं एनिमेशन, उस तरह से वो एनिमी बोलते हैं। जापानीज वर्ड है एनिमेशन का एक तरह से, इसलिए वो लोग एनिमी बोलते हैं और हम एनिमेशन या एनिमेटर्स ऐसे सारी चीजें बोलते हैं। तो एनिमी एनिमेशन ही है एक तरह से, कार्टून फिल्म्स, और एनिमी वही फिल्म्स है जो कि डिज्नी और बाकी सारी लोग बनाते हैं, जो हम इंडियंस भी कुछ कुछ थोड़े बहुत फिल्में बनाते हैं, ये वही एनिमी है। बट एनिमी के बारे में क्यों इतना डिटेल इंपॉर्टेंट जानना जरूरी है आपको, क्योंकि ये आया था 1970 से चालू हुआ था जापान में 1970 पे, जब 1917 में वो चालू हुआ था, तो ओसू ताकोमाका करके एक आर्टिस्ट है, उन्होंने ये चालू किया था। तो तब से उसका चलन बढ़ा और 1960 तक इसका चलन इतना बढ़ गया कि ये पॉपुलर होने लगी धीरे धीरे। और जैसे ही 20th सेंचुरी आई नज़दीक, यानी जैसे 2000 साल चालू हो गया, जैसे 90s आने लगा धीरे धीरे करीब, वैसे ही 20th सेंचुरी में इसकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई कि इंटरनेशनल लेवल पे हिट कर गया। जिस तरह से बाहर के देशों में, यानी जापान से बाहर निकल के बाहर के देशों में ये टीवी सीरीज चलने लगी, वेब सीरीज चलने लगी, फिल्में रिलीज होने लगी, और इंटरनेट के जरिए भी इसको फैलाने लग गए और बहुत सारी पॉपुलैरिटी गेन कर ली तभी उन्होंने। तो इस तरह से ये एनिमी पॉपुलर हुआ, 1970 से चला आ रहा है, काफ़ी पुराना है एक्चुअल में, बहुत ज़्यादा पुराना है। बट उन्होंने कभी उस टाइम पे फिल्म नहीं बनाई थी, उन्होंने सिर्फ एनिमे बनाया था जो कि मांगा कॉमिक्स है, मांगा नाम से एक कॉमिक्स है, जैसे हमारी मार्वल कॉमिक्स है, उसमें जो एपिसोड्स वो लोग लिखते हैं या फिर जो कॉमिक्स वो रिलीज़ करते हैं, उसके जो ज़्यादा पॉपुलर मांगा होती है उसके ही वो मूवीज़ बनाते हैं वहाँ पे। इस तरह से मांगा कॉमिक्स भी वहाँ पे फेमस हुई 1960s में, उस टाइम पे उन्होंने बहुत सारी फिल्में भी बनाई। में एक जापान का अंश ही है ऐसा हम बोल सकते हैं वहाँ पे, और ज़्यादातर जापान की जो कंट्री में ज़्यादातर लोग एनिमेशन पे ही जीते हैं ऐसा भी बोला जाता है, और ज़्यादातर डीवीडी की जो बिक्री है, जो कि इंडिया में अब दिखती भी नहीं है, वो जापान में सिर्फ ये एनिमे के जरिए ही चली आ रही है, उससे ही बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी है उनके उत्पादन में, या फिर उनकी इंक्रीज जो उनका जो इनकम है, इनकम सोर्स है, वो बढ़ने लगा ज़्यादा से ज़्यादा, इसलिए वहाँ पे एनिमेटर्स भी बहुत ज़्यादा हो गए। तो अब बात करते हैं कि भाई कब बना एनिमे, फर्स्ट एनिमे फिल्म कब बनी थी। 1937 में आई डिज्नी की स्नो वाइट एंड द सेवन डॉग्स करके एक फिल्म आई थी, जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर हिट फिल्म रही थी। तो उसको जापान जो एनिमेटर है, जापानी जो एनिमेटर है, उनको बहुत ज़्यादा एक तरह से बूस्ट दिया, एक तरह से उनको प्रेरणा दी वो करने के लिए। तो उन्होंने एक दो साल के ही अंदर उन्होंने बहुत सारी फिल्में बनाई, जैसे मोमोतारा डिवाइन्स सी वॉरियर्स करके एक फिल्म बनाई थी उन्होंने, जो कि फुल लेंथ फीचर फिल्म थी एज अ जापानीज एनिमी, जिसका आप इमेज यहाँ पे देख भी सकते हो। काफ़ी अच्छी वो फिल्म थी और बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिल गई थी तब तक जापानीज एनिमी को, यानी जापान के एनिमेशन को। इस तरह से गली मोहल्ले में, जैसे चाइना में हम बोलते हैं कि भाई टेक्नीशियंस भरे पड़े, वैसे ही जापान में एनिमेटर्स भरे पड़े ऐसा हम बोल सकते हैं वहाँ पे। पर एक प्रॉब्लम ये थी कि वहाँ के जो एनिमेटर्स है, जहाँ के जो एनिमेशन है, एनिमेशन जो होता है, उसको बहुत कम पैसे मिलते हैं। इस तरह से बहुत सारी कंट्रोवर्सी भी चलती रहती है धीरे धीरे वहाँ पे। बट ओवरऑल हमें एनिमे देखने मिलता है, जैसे हम इंडिया में देखते हैं कि भाई सिंचैन देख लिया हमने, कितरेत्सु देख लिया, ड्रैगन बॉल जी भी हम लोग पसंद करते हैं, डेथ नोट एक बड़ा अडल्ट कंटेंट है, तो डेथ नोट भी देखा है बहुत लोगों ने, नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है, तो डेथ नोट भी लोगों ने देखा है, बेबलेड भी देखा है, पोकेमॉन तो हर किसी ने देखा है, पोकेमॉन भी एक एनिमी है। जिस तरह से सारी चीज़ें हैं, बहुत एडवांस और वास्ट ये एनिमेशन होता है इनका, एनिमे का बहुत रियलिज्म, बहुत सारी चीज़ें बहुत रियल भरी पड़ी रहती है इसमें, इमोशन, ड्रामा, फैंटेसी, एक्शन, सारी चीज़ें आपको मिलजुल के एकदम कंबाइन ऐसा पैकेज मिलता है एक एनिमी सीरीज में। इस वजह से ये एनिमी बहुत ज़्यादा पॉपुलर रही। तीन किस्से नामक जो मांगा कॉमिक्स थी, उसके तीन किस्से नामक एक फिल्म बनाई गई, उसके तीन पार्ट बनाए गए,
और 1960s में ये पार्ट रिलीज किए गए और 1961 से 64 तक ये पार्ट चले, बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहे, उसके आगे के भी इसके पार्ट्स कंटिन्यू किए गए और तब से ही बहुत ज़्यादा इंटरनेशनली ये फैल चुकी थी। दौर आ चुका था 1990 में, एक तरह से इंटरनेशनली फिल्में रिलीज होना चालू हो गया जापान का। इंटरनेशनली बोले तो एक देश में नहीं, यानी इंटरनेशनल इसलिए कहा जाता है कि हमारी फिल्म जापान में भी रिलीज हो गई, ठीक है, उसके बाद हमारी फिल्म अमेरिका, फिर यूके, फिर यूएस, फिर इंडिया, इस तरह से बहुत सारी कंट्रीज़ में जब रिलीज़ होती है तब उसको इंटरनेशनली कहा जाता है। तो ये इंटरनेशनल बहुत सारी चीज़ें रिलीज़ हुई। फिर 2003 में उनकी फिल्म आई, बहुत ही हिट फिल्म है और अभी भी उसको रिलीज़ किया गया था पिछले ही साल। बहुत ज़्यादा ओवररेटेड फिल्म है और बहुत ज़्यादा उसने ग्रॉस किया है, एक टॉप एनिमे फिल्म बोल सकते हैं। उस फिल्म का नाम है स्पिरिटेड अवे, इस फिल्म का नाम है स्पिरिटेड अवे, 2003 में आई थी और उसको ऑस्कर भी मिल चुका है। जी हाँ दोस्तों, आपको ये बात अगर पता नहीं होगी तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, कंफर्म कर देता हूँ। स्पिरिटेड अवे नाम से 2003 में जो एनिमे आई थी उसको 75th एकेडमी अवार्ड मिल चुका है बेस्ट फीचर फिल्म के लिए, जो कि अब तक तो डिज्नी को ही, पिक्सार को ही मिलते आ रहा था, बट 2003 में ये सारी चीज़ें चेंज हो गई थी एक हिसाब से। आप सभी ने तो लायन किंग देखी होगी। जी हाँ दोस्तों, लायन किंग एक तरह से रीमेक है, एक तरह से कॉपीराइट चुराए गए हैं ऐसा हम बोल सकते हैं। उस टाइम पे बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। 1986 में एक मूवी आई थी किम्बा द वाइट लायन करके, जो कि एनिमे फिल्म थी, और उसके चार साल बाद यानी 1990 में जब लायन किंग रिलीज हुई तब सारे लोगों ने बोला कि भाई ये किम्बा की ही रीमेक है, जिस तरह से सारे शॉट्स, बहुत सारे एनिमेशंस कॉपी किए गए, बहुत सारे शॉट्स एज इट इज़ कॉपी किए गए कैमरा एंगल्स के साथ, एनिमेशंस के साथ, इस तरह से बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी हुई थी। बट डिज्नी के आगे कोई नहीं टिक पाता है तो डिज्नी ने ये मसला वही के वही दबा दिया, बट बहुत टाइम तक ये चलता रहा। अगर आपको ये पता नहीं है कि द लायन किंग बेस्ट मूवी आपके हिसाब से लग रही होगी तो नहीं भाई, किम्बा नाम से एक एनिमे था उसका ये हूबहू रीमेक है एक तरह से। वैसे मुझे भी पता चला तो मुझे भी बहुत बड़ा शौक बैठा था एक टाइम पे। और किम्बा जो थी, किम्बा द वाइट लायन करके जो फिल्म थी, वो टीवी सीरीज़ भी आई थी, इंडिया में भी रिलीज़ हुई थी, पोगो पे भी दिखाए गए थे कुछ एपिसोड्स, बट हम इंडियन ऑडियंस को ज़्यादातर वो चीज़ें पसंद नहीं आती है तो कम लोग देखना पसंद करते हैं। अभी बात करते हैं इंडियन एनिमे की। जी हाँ दोस्तों, इंडियन एनिमे में एक फिल्म बनी थी जिसका नाम था रामायण द लेजेंड ऑफ रामा, इस तरह से ये फिल्म बनी थी एनिमे की, जो कि 1992 में बनी थी। बहुत सारे लोगों ने ये फिल्म देख ली है, बट ये फिल्म इंडिया में थिएटर में रिलीज़ होने वाली थी, जो कि बहुत सारी चीज़ें चेंज कर देती थी। युगो साको इसके डायरेक्टर थे, जिन्होंने इंडिया एनिमेशन के भगवान माने जाते हैं जैसे राम मोहन जी, उनके साथ मिलके ये फिल्म का प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट किया था। उस टाइम की इस फिल्म का बजट था कम से कम 14 से 15 करोड़ रुपए, जो कि बहुत बड़ी अमाउंट थी उस टाइम के हिसाब से, और वो रिलीज़ नहीं हो पाई क्योंकि हमारे जो हिंदू यहाँ पे जो संस्थाएं थी उन्होंने इसका विरोध किया, बहुत सारी चीज़ें कंट्रोवर्सी हुई। बट कुछ सालों के बाद हमने ये टीवी पे भी देख ली थी, टीवी पे भी ये फिल्म रिलीज़ हो गई थी। बहुत ही अच्छा और अच्छा कंटेंट भरा एनिमेशन उसमें आप देख सकते हो, जैसे राम जी को जैसे दिखाया भी है उस फिल्म में, जैसे हमारी हिंदू में जब जैसे दिखाया जाता है उस तरह से सारी चीज़ें उसमें प्रेजेंट की गई थी। बहुत अच्छी फिल्म थी, बट पता नहीं क्यों, और हमारा सेंसर बोर्ड भी ऐसे ही काम करता है, आज भी वैसे ही काम कर रहा है कि वेब सीरीज़ पे कुछ भी कंटेंट चलते रहते हैं और टीवी पे भी कुछ ना कुछ कंटेंट चलते रहते हैं, बट जब कार्टून्स और एनिमे की बात आती है तो सेंसर बोर्ड अपना कैची चला देता है, इस तरह से हम बोल सकते हैं यहाँ पे। तो ये फिल्म रिलीज़ नहीं हुई, फिर बहुत टाइम के बाद हमें देखने को मिली इंटरनेट पे, आज भी अवेलेबल है ये फिल्म, बहुत अच्छी ये फिल्म थी। और उसके बाद तो बहुत सारी चीज़ें और कंट्रोवर्सी होती रही हमेशा से, और एक टाइम पे एएक्सएन ने एनिमेक्स करके एक चैनल भी खोला था जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहा था इंडिया में, बट कुछ कारणों के चलते इतनी टीआरपी नहीं मिल रही थी शोज़ को, तो वो चैनल ही बंद कर दिया एएक्सएन ने एक तरह से। और उसके बाद जब छोटे मोटे चीज़ें आने लग गई डिज्नी प्लस पे, जो टीवी चैनल है उस पे, पोगो पे, तो उसको भी इतना ज़्यादा रिटेंशन नहीं मिला तो लोगों ने छोड़ दिया इसको देखना। बट एनिमे अगर आप आज देखते हो तो बहुत अच्छा कंटेंट है, बहुत अच्छा एनिमेशन है, मोटू पतलू छोटा भीम से तो बहुत ही ज़्यादा एडवांस है ऐसा बोल सकते हैं। बहुत अच्छा उनका एनिमेशन क्वालिटी, कॉन्सेप्ट, फैंटेसी, ड्रामा, इमोशंस,
जिंदगी में आगे बढ़ते रहना और बहुत सारी मोटिवेशनल उसमें चीज़ें डाली हुई रहती है। एक तरह से हम पोकेमॉन में भी वो चीज़ देखते आते थे। उस टाइम पे पोकेमॉन आता था तो बहुत अच्छा चलता था, आज पोकेमॉन तो आता ही नहीं है और जो भी आता है वो पुराने एपिसोड रिपीट कर देते हैं, नया तो कुछ हमें देखने नहीं मिलता है। इस तरह से इंडिया में एनिमे का क्रेज़ कम हो गया और फिर कुछ सालों के बाद उसका पूरा ही डाउन हो गया। 2004-05 के बाद तो, यानी 7-8 के बाद तो आना बंद ही हो गया था टोटली। एक दो चीज़ें आती थी जैसे निंजा हथौड़ी वगैरह टीवी सीरीज़ आती रहती थी बीच बीच में, अभी भी कभी कभी आती है, बट वही पुराने एपिसोड्स हमें देखने को मिलते हैं, कुछ नया देखने को नहीं मिलता है वहाँ पे। बिकॉज ऑफ इंडियन ऑडियंस अभी उसको देखना पसंद नहीं करती है, बट अगर मेरी माने तो 90s के जितने भी कार्टून्स थे, एनिमी हो, डिज्नी के कार्टून्स हो, या वार्नर ब्रदर्स या डीसी मार्वल से रिलेटेड जो कार्टून्स हो, जो स्पाइडरमैन हम लोगों ने उस टाइम पे देखा था टीवी सीरीज के जरिए और जो सुपरमैन हम लोगों ने देखा था, वो तो आज के टाइम में टीवी सीरीज या कार्टून्स पे चैनल्स पे हमको देखने भी नहीं मिलता है। वही सड़े से मोटू पतलू और छोटा भीम जैसे कंटेंट आते रहते हैं या फिर कोई पुरानी सीरीज़ को रिबूट कर देते हैं, उसमें कुछ भी नहीं रहता है, बस देखो हंसो, ऐसी भी चीज़ें नहीं रहती है। टॉम एंड जेरी जैसी लेजेंड जो एक तरह से टीवी सीरीज़ थी वो भी बंद कर दी और सारी चीज़ें क्लोज्ड हो गई। मिस्टर बीन का भी एपिसोड्स अभी आते नहीं हैं, तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई अभी, तो अच्छा नहीं है अभी कार्टून देखना, कुछ कंटेंट नहीं है, कुछ चीज़ें नहीं है, कुछ भी ठूस दिया है, कहीं पर भी कुछ भी चल रहा है, कोई मतलब नहीं बनता इन चीज़ों का, बहुत बोरिंग से कंटेंट्स अभी आने लग गए हैं क्योंकि लोग देखना पसंद ही नहीं कर रहे हैं, तो कैसे क्या चीज़ें आएगी। बट बहुत टाइम के बाद जब एनिमे फैंस आए, उठ के उन्होंने पिटीशन साइन किया, बहुत सारी चीज़ें हुई, तो ड्रैगन बॉल सुपर ब्रोली फिल्म इंडिया में रिलीज़ हुई थी जो कि एनिमे फैंस ने हिट कर दी थी थिएटर पे। उनका पिटीशन साइन करके आ गई थी भाई, रिलीज़ हो गई थी, अच्छी खासी मूवी रिलीज़ भी हो गई, बहुत लोगों ने देखा, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था। बट प्रॉब्लम एक ही आता है, वो हिंदी डब नहीं रिलीज़ कर सकते, कभी कभी इंग्लिश डब भी रिलीज़ नहीं कर सकते, जापनीज लैंग्वेज में इंग्लिश सबटाइटल डाल के वो रिलीज़ करते हैं। तो हम लोग को देखना चाहिए ऐसे कंटेंट क्योंकि बहुत अच्छे ये कंटेंट्स हैं, उससे कुछ सीखने को तो मिलता ही है डेफिनेटली। और जो रियलिज्म है, जो एनिमेशन हम देखते आते हैं डिज्नी और पिक्सार के मूवीज़ में, उससे ही कई गुना ज़्यादा अच्छा एनिमेशन हम उसमें एनिमे में देख सकते हैं। एक एक फ्रेम के हिसाब से वो लोग बनाते हैं, स्केच करते हैं, आजकल 3D भी उसमें इंप्लीमेंट करते हैं, 2D एनिमेशन और 3D एनिमेशन VFX सारी चीज़ों का मिक्सचर रहता है अभी एनिमे, बहुत अच्छे कंटेंट्स है। इस वजह से सुपर ब्रोली भी हिट हुई थी इंडिया में, हिट हुई थी बोले तो ज़्यादा ऑडियंस को मिली नहीं क्योंकि ज़्यादा सिटीज़ में वो फिल्म रिलीज़ भी नहीं हुई थी, 5-6 सिटीज़ 10 सिटीज़ में रिलीज़ हुई थी, तो फिर भी अच्छी कमाई कर ली। अगर आगे ऐसे लोग उसको सपोर्ट करते जाएंगे तो आगे ऐसी फिल्म कंटिन्यू रिलीज़ होते जाएगी और हमें बॉलीवुड से कुछ जो घटिया से कंटेंट बनते हैं आजकल, जो कि रीमेक्स बनते रहते हैं या फिर कुछ भी वाहियात से कंटेंट बनते हैं, उनसे तो काफ़ी रिलैक्स और काफ़ी ज़्यादा अच्छे कंटेंट हमें देखने को मिलेंगे एनिमे के ज़रिए। और ये छोटे लोगों के लिए नहीं है, बड़े लोगों के लिए भी इसमें बहुत सारी चीज़ें हमें देखने मिलती है। तो अगर आप सोचते हो कि भाई एनिमे तो कार्टून ही है, तो भाई लोग आप गलत सोचते हो यहाँ पे, कि एनिमे में जितनी सारी चीज़ें देखने को और समझने को मिलती है उतनी शायद से ही एक आध बॉलीवुड मूवी में देखने को मिलती है हमें। इस तरह से सारी चीज़ें रहती है, बहुत अच्छी फिल्में रहती है, आप प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। जैसे बहुत सारे सपोर्ट्स एनिमे फैंस के वजह से ये भी फिल्म आ रही है टेंकी नोको करके, वेदरिंग विद यू उसका नाम है, बट वो इंग्लिश में रिलीज़ नहीं होने वाली है, ना कि हिंदी में रिलीज़ होने वाली है, वो जापनीज लैंग्वेज में ही रिलीज़ होगी और उसका इंग्लिश सबटाइटल आएगा। 11 अक्टूबर को ये फिल्म इंडिया में रिलीज़ होने वाली है। बहुत ज़्यादा सपोर्ट करो इस फिल्म को क्योंकि हमें अच्छे कंटेंट्स देखने मिले, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर कंटेंट्स देखने मिलेंगे हमें तो हो सकता है कल जाके हिंदी डब भी हमें उस मूवी का या फिर उस सीरीज़ का देखने मिल सकता है। तो आप सपोर्ट कीजिए इस फिल्म को, डेफिनेटली जाइए। मुझे पता है बहुत लोग बोलेंगे यार इंग्लिश में भी नहीं है, हिंदी में भी नहीं है, तो हम लोग कैसे जाके देखें, तो सबटाइटल तो पढ़ना तो आपको आता ही है, तो बस जाओ देखो, सपोर्ट करो इसे फिल्म को और ज़्यादा से ज़्यादा जाके देखो, क्योंकि जो पिटीशन साइन किया गया और बाकी सारी चीज़ें जो सारे एनिमे लोगों ने, एनिमे फैंस ने की और PVR ने भी सपोर्ट किया, क्योंकि ड्रैगन बॉल सुपर ब्रोली जो फिल्म थी वो भी PVR ने ही लाई थी इंडिया में, और ये भी फिल्म PVR ही रिलीज़ कर रहा है, बहुत कम सिटीज़ में रिलीज़ होगी, बट आपको डेफिनेटली जाना तो चाहिए, ऐसी फिल्मों को सपोर्ट करना भी चाहिए आपने, और अच्छे खासे पैसे अगर अर्न करती है तो नेक्स्ट टाइम हमें
पिटिशन साइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली वो फिल्म रिलीज हो जाएगी और हमें देखने भी मिलेगी, चाहे एक वीक के लिए क्यों ना रिलीज की जाए वो फिल्म, बट हमें हम तो एक वीक में जा ही सकते कभी ना कभी, कोई ना कोई दिन छुट्टी निकाल के हम लोग ऐसे फिल्में देख सकते हैं डेफिनेटली। हम और बोरिंग से फिल्मों के लिए छुट्टी या फिर संडे हमारा वेस्ट करके जाते हैं तो एक अच्छी एनिमे फिल्म के लिए क्यों नहीं जाएंगे। यही सारी चीज़ें और डिटेल्स फैक्ट्स मुझे बताने थे, मुझे ज़्यादा पता नहीं है एनिमे के बारे में, बट मैं ये कार्टून्स और ये शोज ड्रैगन बॉल हो गया, पोकेमॉन हो गया, कितरेत्सु हो गया, इस तरह से मैं सारी चीज़ें, और जैसे हागे मारो भी हो गया, वो सारी चीज़ें मैं बचपन से ही देखते आ रहा हूँ, मुझे वो कार्टून्स पसंद है, तो इस वजह से थोड़ा बहुत एनिमे में मेरा इंटरेस्ट पहले से ही है, बट मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं थी और मैंने वीडियो इसलिए बनाना चाहा कि भाई क्यों ना सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं तो क्यों ना मैं भी एक मेरा थोड़ा बहुत 2% क्यों ना हो, 1% क्यों ना हो, या 0.01% क्यों ना हो, मैं मेरा खुद का बेस्ट देना चाहता हूँ यहाँ पे, क्योंकि अच्छे कंटेंट तो देखना किसे पसंद नहीं है आज, क्योंकि बहुत ज़्यादा बाकी बताना नहीं चाहता हूँ मैं यहाँ पे, बट बहुत गंदे गंदे कंटेंट्स भरे भरे इधर उधर, अच्छे कंटेंट्स को सपोर्ट करना हमारा फ़र्ज बनता है एक तरह से, क्योंकि आगे चल के यही देखने वाले हैं हम लोग, हमारे बच्चे, हमारे जो कोई भी है ऐसे ही कंटेंट्स फॉलो करेगा तो अच्छी अच्छी बात रहेगी, बहुत सारी चीज़ें सीखने को देखने को मिलेगी और मज़ा आएगा इन्हीं सारी चीज़ों से लेके। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा वो भी मुझे बताइए, कुछ गलत हो गया तो वो भी मुझे बताइए, माफ़ कर दीजिए कुछ गलत हो गया रहेगा तो, बट जितना मुझे पता है उतना तो मैंने यहाँ पे आपको डिटेल्स और फैक्ट्स सारी चीज़ें बता दी है। तो बने रहिए मेरे साथ, सब्सक्राइब कीजिए एंटरटेनमेंट विकिपीडिया चैनल को, लाइक और शेयर करना ना भूले। तो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।